मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत डालमिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स एंड जीएसटी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल बोरकर, आईपीएस, जम्मू कश्मीर काटा। फ्रेंड्स, मेनली एजेंडा यही है हमारा इस वीडियो का कि हम आपसे कुछ शेयर कर सके कि क्या ऐसा हम लोग कुछ करें जो इससे पढ़ाई हमारी सही हो, थोड़ी डायरेक्शन में हो और सक्सेसफुल हो जाए। इन द सेंस कि एग्जाम जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें, तो क्या ऐसा हम करें जिससे हमको सक्सेस मिले। मेरा अपना ये मानना है कि आधी लड़ाई आप अपने दिमाग से लड़ते हैं। अगर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, तो ये पहला विन होता है। जैसे प्रशांत ने बोला कि सारा माइंड गेम है, आधी लड़ाई तो आप माइंड गेम से जीतोगे। देखो, एग्जाम प्रिपेयर करना मतलब हर चीज के लिए आपको एक गट्स की जरूरत होती है। सब लोग एक ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, जैसे मान लो कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहोगे या फिर गवर्नमेंट में जाना चाहोगे, कि एग्जाम का तैयारी करना है, ये दिमाग में पहले बैठाना है कि एग्जाम का तैयारी करना है। और ये जैसे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए पेशेंस, एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से एक पहले दिमाग में तैयार करिए कि मेरे को ये एग्जाम देना है। एक कोई एक एग्जाम पे फोकस करो पहले, जो आपको बनना है, जो आपको चीज करनी है। जो हम लोग दोनों ने फील किया है कि आज भी, जैसे मैं एक संथाल परगना झारखंड से हूँ, संथाल परगना के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट देवघर बाबा धाम के नाम से जानते हैं, उसका एक सब डिस्ट्रिक्ट है मधुपुर से हूँ, और निखिल भी बहुत भंडारा डिस्ट्रिक्ट से है महाराष्ट्र के, जो कि बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज एक बहुत बढ़िया एक टाइम आ गया है हमारे पास में कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेस में हम तैयारी करें, अपना पटना जाएं या देवघर या दिल्ली आए या कहीं पे भी, आप कहीं से भी हो, आप बड़े शहर जाके तैयारी करें। ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि हम बड़े शहर में रहेंगे तो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और घर वालों को भी लगता है, क्योंकि हमेशा से वो अपने घर में जो भी बच्चे जो पढ़े हैं वो बाहर जाके पढ़े, पर अब समय बदल गया है। हम लोग ने दिल्ली आए हैं, हम दिल्ली में पढ़े, घर पे भी हमने पढ़ाई की, पर हमको ये समझ में आया और ये हमारी जवाबदेही बनी कि हम आप तक की बात पहुंचाएं, कि आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। और अच्छे सोर्सेज, जैसे सिंगल लीड एक अच्छा सोर्स है जिसको आप यूज़ करेंगे, और आप ऑनलाइन में अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी बेस आप तैयार करेंगे, और सारे चीज़ आप वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। देखिए, आप वहाँ बहुत आदमी वहाँ हताश हो जाता है, तैयारी नहीं कर पाता है, और जिनका पोटेंशियल होता है वो भी वो पूरा नहीं कर पाते। ऑनलाइन मोड से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो अपने पूरी की पूरी पोटेंशियल को आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, मेरे भी बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो मेरा है, जो इंडिया के 250 डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो उसमें एक मेरा डिस्ट्रिक्ट है। एजुकेशन की उतनी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, हालांकि अभी धीरे धीरे बढ़ गई है, लेकिन जब मैं था उस टाइम नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई है मेरी गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग भी किया है, तो वो भी महाराष्ट्र से ही किया है, ऐसा बहुत बड़े कॉलेज से नहीं किया है, आईआईटी वगैरह से नहीं किया है। लेकिन ये बात है कि जो अभी आपके पास में जो एजुकेशन का जो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे सिंगल डिजिट के थ्रू आपको मिलेगा, ऑनलाइन जो मिलेगा आपको, तो आपको ये जरूरी नहीं कि आपको आप ना समझ लो, जैसे मेरा एरिया विदर्भ का, तो आप नागपुर में जाके पढ़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या फिर आप पुणे में जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे दिल्ली में जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने घर पे एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर घर पे पढ़ सकते हो। अगर घर पे पढ़ सकते हो तो पहले अपने आप को खुद को पहचान लो कि आप घर पे पढ़ सकते हो कि नहीं, उसके बाद में एक या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर घर पे पढ़ो। उसमें फिर एक प्रॉपर शेड्यूल है, जैसे सिंगल डिजिट आपको एक पूरा शेड्यूल देता है, एक वीडियोस का एक पूरा पैटर्न, एक दो तीन जितने भी उसके वीडियोस है, पार्ट वन पार्ट टू, वो पूरा फॉलो करके आप एक प्रॉपर एक क्लासरूम में जो आपको एनवायरमेंट मिलता है उसी के हिसाब से आपको वही एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा, और आप उसको फॉलो करके हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। और जैसे एग्जाम के दो महीना पहले, एक महीना पहले, दो महीना पहले आप उसको देख के खत्म कर दो, ठीक
ठीक है, और उसके बाद में फिर आप इसका जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा टेस्ट सीरीज में। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके घर के पास में। आपका पहली बात है कि आपको आपकी अगर बहुत सारे जैसे हमारे बैकग्राउंड से है तो उतना फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो और कभी कभी टाइम भी लग जाता है कॉम्पिटिटिव में, तो फैमिली भी इतने दिन तक अपने को सस्टेन नहीं कर पाती है। तो उसके हिसाब से आप देखो कि आप घर पे अगर पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा जो आपका एक्सपेंसेस है दिल्ली में या फिर पुणे नागपुर में तो वो बच जाएगा। दूसरी बात ये है कि प्रिपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका अगर जब मन करेगा तो पढ़ोगे, अगर आपका मूड नहीं बन रहा है तो पढ़ाई करके मतलब नहीं है, क्योंकि आपके आपको समझने वाला नहीं है। जब आपका मन करेगा तो आप अच्छे मूड में रहोगे तो उसको पढ़ोगे, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको स्विच करना चाहिए। एक फैमिली सपोर्ट भी होता है उसमें, कि ज़्यादा सपोर्टिव हो जाती है फैमिली जब आप पास में रहोगे, या फिर जैसे कम एक्सपेंस पे अपन जब कुछ काम करते हैं तो फैमिली भी सपोर्टिव हो जाती है और अपने पे फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता है। और सबसे मैं तो दूसरी बात ये बोलता हूँ कि सबसे पहले मतलब कि सबसे ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम फाइनेंस का ही होता है, जैसे अपन लो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने को फाइनेंस का होता है। वो रहना वहना वहाँ पे जाके, वो एनवायरमेंट की बात नहीं है, एनवायरमेंट तो आपको खुद क्रिएट कर सकते हो। यही था दोस्तों, हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि आप तक हम लोग और बेटर जो भी हमारे पास में है, जो हम आप तक डिलीवर कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे।